हेलो फार्मासिस्ट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे, जो कि है टॉपिक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे एंड चैलेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जो भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और साथ में पीडीएफ नोट्स को मैच करके पढ़ने से आपको काफी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो नोट्स में समझ नहीं आती है, उन्हें वीडियो क्लास में ही हो सकता है। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना होगा नोवल वर्ड का वर्ड मतलब। तो नोवल वर्ड का जो मतलब है वो क्या है? न्यू। न्यू का मतलब है जो नई टेक्नोलॉजीज, जो नई मेथड्स, नया फॉर्मुलेशंस जो आपकी यूज हो रही है, या इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जो कि आपकी जो डोजेज फॉर्म है या फिर फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है उसे आपकी बॉडी में पहुंचाता है जैसा आपको चाहिए, और उसके साथ साथ आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है जो कि आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, तो वो सेफली आपकी ड्रग को क्या करेगा, जहां साइट ऑफ एक्शन है वहां पर पहुंचाएगा। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसे आप इनोवेटिव डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नोवल मेथडोलॉजीज और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को बॉडी में डिलीवर करते हो सेफली अचीव करके, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, जो आपका डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो आपको मिल जाता है। ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो आपका एफिकेसी पर क्या होता है, इफेक्ट करता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है इसकी एफिकेसी पर। यहां पर जो आपकी ड्रग है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, जितना आपको इसका एक्शन चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे आइडियाज लगाते हो जिनमें आप अपने फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक या न्यू आइडियाज से नॉन स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी, जो कि आपके बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, ऐसी टॉक्सिसिटी या आपका जो बायो रिकॉग्निशन है और एफिशिएंसी है ड्रग की, उसे आप कंट्रोल कर सको। अब वो कंट्रोल हम कैसे करेंगे, उसे हम कंट्रोल करेंगे SR और CR या मॉडिफाइड आप ड्रग रिलीज के बारे में बात कर सकते हो, जो कि मॉडिफाइड ड्रग रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर हम मॉडिफाइड की बात करें तो यहां पर आप SR CR के बारे में बात करोगे। SR CR जो होता है वो आपका एक ऐसा ड्रग डिलीवरी है जहां पर आप SR में जो ड्रग का रिलीज कराते हो वो थोड़े थोड़े टाइम में आपकी ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज करेगी, लेकिन जो CR है उसमें आपका प्री डिटरमाइंड रेट से आपका ड्रग जो है वो रिलीज करती है। तो SR में जो है वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो रही है, CR में जो है वो उसमें कंट्रोल है आपका कि कितनी ड्रग जो है वो आपकी रिलीज करेगी। नेक्स्ट आता है आपके पास जो न्यू स्ट्रेटेजीज हैं, जिसे आप ड्रग डिलीवरी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ड्रग डिलीवरी जो है वो आपका बेस्ड होता है इनडिसिप्लिनरी अप्रोच पर, ठीक है, जो उसे आप कंबाइन कर सकते हो पॉलीमरिक साइंस पर या पॉलीमर साइंस पर, फार्मास्यूटिक्स इसमें कंबाइंड होता है, बायोकॉन्जिगेट केमिस्ट्री इसमें कंबाइंड होती है, मॉलिकुलर बायोलॉजी भी इसमें कंबाइंड होती है। इसमें क्या होता है, जो भी आप नोवल ड्रग डिलीवरी अगर आप दे रहे हो, ड्रग डिलीवरी सिस्टम से अगर आप किसी भी ड्रग को अपनी बॉडी में पहुंचा रहे हो, तो वहां पर जो ड्रग डिग्रेडेशन है वो कम हो जाएगा, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाएंगे आपके, या फिर आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है, बेसिकली आपका बायो अवेलेबिलिटी मतलब जिस रेट और एक्सटेंट से आपकी जो ड्रग है वो सिस्टम सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो रही है, आप उसे भी इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है। जो आपकी ड्रग है वो आपका जो रिक्वायर्ड जोन है वहीं पर क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी, और आपका जहां पर आपको ड्रग डिलीवरी चाहिए वहां पर आपकी ये ड्रग क्या कर जाएगी, रिक्वायर्ड जोन में एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो वहीं से आपको डिजायर्ड एक्शन को शो करेगी। ड्रग टारगेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली अभी आपके अंडर डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपकी यूज हो रही हैं, जैसे माइक्रो कैप्सूल्स हो गया, माइक्रो स्पेयर्स हो गया, आपका इथोसोम्स हो गया, एक्वासोम्स हो गया, तो वो हम क्लासिफिकेशन में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी टारगेटिंग सिस्टम्स हैं जैसे कि नैनो पार्टिकल्स हो गया, लाइपोसोम्स हो गए, तो ये सारे आपके करंटली जो है वो डेवलपमेंट में अभी तक चल रहे हैं, इसमें इसके ऊपर रिसर्च जो है वो हो रही है, अभी भी ये जो ड्रग डिलीवरी है इसके ऊपर वर्क चल रहा है।
ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन रेंज के साथ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है, जो कि आपका डिराइव्ड होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इन कंसेंट्रेशन में आपका हो सकता है कि जो आपकी कंसेंट्रेशन है वो अगर इस कंसेंट्रेशन में ऑल्टरेशन हो, अबव हो या फिर बिलो हो, इस ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन से अगर आपकी कंसेंट्रेशन अबव या फिर बिलो चली गई तो हो सकता है कि आपको टॉक्सिक इफेक्ट या फिर जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो ना मिले, टॉक्सिक इफेक्ट ही आपको प्रोड्यूस हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इंट्रोडक्शन में कि ऑन द अदर हैंड जो वेरी स्लो प्रोग्रेस एफिकेसी है जिनमें आपका सीवियर डिजीजेस होती है उनमें जो आपकी ड्रग है वो बहुत ज्यादा आपका वर्क नहीं करती है, उसके बाद जो है आपका जो इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म के अगर मैं कंपैरिजन में बात करूँ तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो कि आपकी सीवियर डिजीजेज में स्लो प्रोग्रेस करती है, तो उसके लिए आपको क्या मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करा सकते हो, थेरापेटिक डिलीवरी से टारगेटेड टिश्यू पर वर्क करा सकते हो। बेसिकली क्या है कि जो वहां पर आप ड्रग की डिलीवरी सिर्फ टारगेटेड टिश्यू पर ही कराओगे, तो नोवल ड्रग डिलीवरी भी एक ऐसी ही अप्रोच है जहां पर साइट ऑफ एक्शन पर वर्क करती है, आपकी जो ड्रग है सिर्फ वही वर्क करेगी जहां पर आपको जरूरत होगी, ठीक है। और वहां पर जरूरत होने के बाद वो क्या करेगी, आपको सेफली जो आपको डिजायर्ड एक्शन है उसको प्रोड्यूस करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फाइटोसोम्स का। फाइटोसोम्स का मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, फाइटो और प्लस जोम। फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड जोम्स का मतलब होता है लाइफ, तो प्लांट लाइक, प्लांट सेल लाइक, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास हर्बल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, प्लांट से क्या होता है, हर्बल एक्सट्रैक्ट, हर्बल एक्सट्रैक्ट में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी आप फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या कराते हो, इनकॉर्पोरेट कराते हो ड्रग को, ठीक है। उन हर्बल एक्सट्रैक्ट को आप फॉस्फोलिपिड में इंक्लूड करते हो या एम्बेडेड करते हो, जो बायो एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे आप फॉस्फोलिपिड में बाउंड कर दोगे। उसके बाद ये जो मिक्सचर है, ये जो केमिकल मिक्सचर है, जो कॉम्प्लेक्स फाइटो मेडिसन आप बना रहे हो उसका जो कॉम्प्लेक्स है उसका मिक्सचर बनता है प्लांट से, ठीक है। और इसमें जो वाटर सॉल्युबल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अब बात आती है इथोसोम्स की, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इथोसोम्स। इथोसोम्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनाई है भी, तो इथो का मतलब होता है इथेनॉल, इथेनॉल एंड आपका वेसिकल, ठीक है। इथेनॉल जो है उसमें आपका ये जो फॉर्मुलेशन है इथोसोम्स की, इसमें इथेनॉल की जो कंसेंट्रेशन है वो हाई रहती है, हाई कंसेंट्रेशन आपको इथेनॉल की इसमें मिलेगी। तो यहाँ पर आप जब हाई कंसेंट्रेशन में इथेनॉल होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप कोई भी स्किन से रिलेटेड ड्रग डिलीवरी दे रहे हो, बेसिकली क्योंकि इथोसोम्स जो है वो आपके ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में यूज होते हैं, TDDS में यूज होते हैं, तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में जो इथेनॉल अगर आप इथोसोम्स बना रहे हो तो उसकी पेनिट्रेशन क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली जो आपका इथोसोम्स है वो कंपोज होता है आपका वाटर, कोलेस्ट्रॉल, डाई, पॉलीग्लाइकॉल, इथेनॉल। इथेनॉल की जो कंसेंट्रेशन 20-50% तक इथेनॉल की कंसेंट्रेशन इसमें आप डालते हो। व्हीकल होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उसके साथ साथ जो ड्रग की एबिलिटी है, पेनिट्रेशन एबिलिटी, वो भी इंक्रीज होता है, हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इथेनॉल। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है नायोसोम्स। नायोसोम्स जो है वो आपका बनता है कोलेस्ट्रॉल और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट से। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट और कोलेस्ट्रॉल में आप क्या करते हो, ड्रग को एम्बेडेड कराते हो इसके वेसिकल में। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास ड्रग होती है, बेसिकली इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम एज लाइपोसोम्स होता है। लाइपोसोम्स में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इसमें जो है आपके पास कोलेस्ट्रॉल एंड नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज होते हैं, ठीक है। लाइपोसोम्स में आपके हुए लिपिड, मतलब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं। नायोसोम्स में क्या हुए, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट एंड आपके पास कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें यूज हो रहा है, आप क्या करते हो, ड्रग को इसमें डालते हो, इसके बहुत सारी फॉर्मुलेशन मेथड हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग बनाते हो, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट जो है वो है कि ये कि नाइजोम्स के बारे में कि जो भी आपका नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है वो मोनोअल्काइल और डाइअल्काइल पॉलीऑक्साइल इथाइलीन ईथर से भी आप बना सकते हो, ठीक है। मेनली जो इसमें कैरियर होता है वो लाइपोफिलिक एंड एम्फिफिलिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। एम्फिफिलिक ड्रग्स वो होती हैं जो कि आपके हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों ही पाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपके पास जो सर्फेक्टेंट है उसकी लिपिड बायलेयर जो है वो इंट्रैक्ट होती है एक्वस मीडिया से, और इनका जो नाइजोम्स का साइज है वो तीन टाइप का है, ठीक है, एसयूवी और एमएलवी एंड एलयूवी, ठीक है। तो ये सारे आपके साइज पाए जाते हैं नाइजोम्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी जब भी साइज रेंजेस आएंगी वो लिखना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइज रेंज इंपॉर्टेंट है। तो इस एसयूवी का जो साइज है वो बेसिकली पाया जाता है या स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल जिसे आप बोल रहे हो 0.05 से 0.5 माइक्रोमीटर तक। मल्टीलैमिनर वेसिकल जो है उनका जो साइज पाया जाता है जिन्हें आप एमएलवी बोल रहे हो 0.05 माइक्रोमीटर। उसके बाद जो लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल्स है एलयूवी जिसे आप बोल रहे हो उसका साइज जो है वो 0.10 माइक्रोमीटर तक है, ठीक है। अब इसके बाद जो आती है वो आती है फॉर्मुलेशन ट्रांसफेरिजोम। ट्रांसफेरिजोम्स में क्या होता है ये आपका बेसिकली टारगेटेड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है। टारगेटेड कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल रिलीज क्या होता है जिसका प्री डिटरमाइंड रेट से जो ड्रग है वो क्या होती रहती है रिलीज होती रहती है। तो टारगेटेड मतलब कि स्पेसिफिक साइट पर या स्पेसिफिक सेल और टिश्यू पर ही वो वर्क करता है। तो इसे आप इलास्टिक लाइपोसोम्स के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है, इलास्टिक लाइपोसोम्स के नाम से जान सकते हो। बेसिकली ये भी लाइपोसोम्स की ही फॉर्म है, ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो आपका वेसिकल का जो साइज है वो 300 nm के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इनका जो वेसिकल्स होता है वो 300 nm का होता है, ऑलमोस्ट 300 nm ये पाया जाता है। उसके साथ साथ आपके पास जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसको भी ये इजिली पास आउट कर देता है, ठीक है। अब आता है आपके पास डेंड्राइमर्स। डेंड्राइमर्स दो वर्ड से मिलकर बना है, डेंड्रोन्स और प्लस मेरोज, ठीक है। तो डेंड्रोन्स का मतलब होता है कि आपका ट्री, ठीक है, डेंड्रोन्स एंड मेरोज। तो डेंड्रोन्स का मतलब होता है ट्री और मेरोज का मतलब होता है पार्ट। तो इसका ये जो आपके पास डेंड्राइमर है ये कैसे बना हुआ है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें पॉलीमरिक मटेरियल आपका यूज होता है न्यू क्लास का, और ये हाईली ब्रांच्ड मोनोडिस्पर्स आर्टिफिशियल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मुलेशन होती है जो कि 3D स्ट्रक्चर कंटेन करती है, ठीक है, हाईली ब्रांच्ड होती है और 3D स्ट्रक्चर को कंटेन करती है। नेक्स्ट आता है आपके पास जो है वो लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स में लाइपोसोम्स एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसमें कि आपके पास लिपिड बायलेयर होती है, लिपिड फॉस्फोलिपिड होंगे, ठीक है, फॉस्फोलिपिड आप इसमें यूज कर सकते हो, फैट इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो आप इसमें यूज करोगे। तो लिपिड बायलेयर वेसिकल्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। इसमें जो ड्रग को लोड करने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और ये फॉस्फोलिपिड्स जो है वो टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी दिखाते हैं। अब टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी इसका मतलब ये हमारे कैंसर और ट्यूमर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कैंसर एंड ट्यूमर में आपके लाइपोसोम्स जो हैं वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को शो करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी जो इसमें वेसिकल्स की अगर मैं बात करूं तो एमएलवी वेसिकल्स जो हैं बायलेयर वेसिकल्स बनते हैं, इनका जो साइज होता है एमएलवी इसमें बनते हैं, ठीक है, और इनका जो साइज होता है वो होता है 0.05 से 5.0 माइक्रोमीटर का डायमीटर, ठीक है। ये हो गया बात हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, तो देखो हमारी जो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स है अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो आपकी जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होता है। आपका जो पेशेंट है उसके लिए जो पेशेंट कंप्लायंस है वो भी इंक्रीज हो जाती है, इसमें बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसमें, ठीक है, और जो डोज है वो भी एक्यूरेट हो जाती है।
साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, आपकी जो एफिकेसी और सेफ्टी है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो कंट्रोल्ड रेट से क्या हो जाती है, रिलीज करती है। तो इसका मतलब कंट्रोल्ड डिलीवरी जो है वो आप इसमें मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। बेनिफिशियल टू पेशेंट विद इम्प्रूव कम्फर्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो आपके पास जो पेशेंट है उसके रहने में या उसको जो आप डिलीवरी दे रहे हो उसमें भी इजी पड़ जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज में जो पेशेंट कंप्लायंस है वो लेस होती है, ठीक है। तो लेस पेशेंट कंप्लायंस किसी किसी केसेस में होती है, जैसे इम्प्लांट्स वगैरह के केसेस में या किसी में कोई डिवाइस को इंसर्ट करना होता है उस केसेस में, अदरवाइज तो ठीक होती है पेशेंट कंप्लायंस, इंक्रीजेज होती है। रिपीटेड डोजेज इज नेसेसरी, ठीक है। अगर आप डोजेस अगर नेसेसरी है तो वो भी बहुत ज्यादा है कि आप रिपीटेडली डोज जो है वो उसे दोगे। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवरी, लार्ज अमाउंट में ड्रग की डिलीवरी इसमें हो जाती है। नाउ चैलेंजेस ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहला जो सबसे मेन चैलेंज आता है वो आता है पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स का, कि हम इसे कैसे ओवरकम करें। इसमें सबसे ज्यादा पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स का आता है। दूसरा आता है कि ऐसी कौन सी नोवल अप्रोच ड्रग डिलीवरी के लिए यूज करें जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स के लिए सुटेबल हो, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या जो भी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स कैंडिडेट में आते हैं वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ रही है उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। रेशनल फॉर्मुलेशन, लाइक किसी का जो भी आपके पुअरली सॉल्युबल कंपाउंड्स है उनका पीके, उनका पीएच, उनका डिसोसिएशन, वो सब हम कैसे मेंटेन करें ये भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओवरकमिंग चैलेंजेस इन प्रोटीन ड्रग डिलीवरी, बिकॉज प्रोटीन ड्रग डिलीवरी जो है वो बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रग डिलीवरी है, जिसे जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, इसी वजह से जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी है उसमें बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूल्स का बहुत इजीली ड्रग डिलीवरी हो जाती है, बट जो आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसमें हर्डल्स आते हैं, तो उनकी ड्रग डिलीवरी ये बेसिकली टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज होते हैं। चैलेंजेस इन पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक ड्रग डिलीवरी, तो चिल्ड्रंस एंड ओल्डर पेशेंट्स को ध्यान में रखते हुए ड्रग डिलीवरी देनी पड़ती है, तो वो भी हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ओवरकम एडिक्टिव नेचर ऑफ ड्रग्स, एडिक्टिव नेचर जो कि ड्रग्स ऐसी होती है जिनकी कि पेशेंट्स को आदत लग सकती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि आप कैसे नोवल ड्रग डिलीवरी प्रिपेयर कर सकते हो, कितनी अमाउंट में करना है, तो वो भी एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।